एवरीवन, वेलकम टू सेकंड सेशन ऑफ मैराथन ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा केमिस्ट्री का आज दूसरा सेशन होने वाला है, जहां पे हम लोग इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है इसको यहां इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये आपकी जो फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज चल रही है, इसका ये आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, आज के हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। सो आज हम हिमैटिनिक्स, मेडिसिनल गैसेस, एंटीऑक्सीडेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल, एसिड बेसिस एंड बफर्स, ये वो आपके टॉपिक होंगे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जिनको हम आज इस क्लास में अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी रिलाई ऑन। जो आपका एसिड बेस थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू आपका, अगर बात करते हो लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप क्या वहां पे बोला गया था, एक्सचेंज ऑफ एटम्स होते हैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपकी टोटल थ्री थ्योरीज यहाँ पे हैं एसिड बेस की। पहली थ्योरी आपकी आरिनियस की थ्योरी थी, जिन्होंने क्या बोला था कि आप वो सभी कंपाउंड्स को एसिड कंसिडर करेंगे जो क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन पे एच प्लस आयन्स को देते हैं, तो वो आपके एसिड हैं। अगर वो एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं तो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं, आरिनियस का कॉन्सेप्ट। फिर आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आता है एसिड बेस का, जिन्होंने क्या बोला कि वो सभी सब्सटेंस, वो सभी केमिकल कंपाउंड्स जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन वो एसिड्स हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो वो आपके होते हैं बेस। और जो लेविस थ्योरी थी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पे, इन्होंने बोला कि वो सभी कंपाउंड एसिड्स होंगे जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हो, और वो सभी कंपाउंड बेस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। सो आपका यहां लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो आपके क्या होंगे, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई हुई है, मींस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इन्होंने फोकस किया था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। सो आपका इस क्वेश्चन में बोलोगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, लेविस एसिड थ्योरी ऑफ यहां पर एसिड बेस की। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड इज, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग आपका एसिड क्या होते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या थी आपकी, जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड्स होंगे। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं, ये आपके लेविस के बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये आपके क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है अगर, तो वो क्या होगा आपका, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बेस होगा, और प्रोटॉन डोनर्स ये क्या होंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड्स होंगे। सो आपसे क्या पूछा गया हुआ है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होंगे, सो ये आपके प्रोटॉन डोनेट जो कर सके, जो प्रोटॉन डोनर्स होंगे वही आपके क्या होंगे, यहां पर आपके एसिड्स कहलाएंगे। सो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पे, मेटल सिलेंडर्स फिल्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जो आपके मेटल सिलेंडर्स फिल्ड होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें किस कलर का पेंट प्रेजेंट होता है, किस कलर से पेंटेड होते हैं वो, ब्लू कलर से, ग्रे कलर से, व्हाइट से, या फिर ब्लैक से। तो जल्दी जल्दी आप सबके बारे में बता दो, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ये किस कलर से होता है आपसे पूछा गया हो। तो अगर ग्रे की बात करते हैं तो ग्रे कलर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अभी आप ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को देखे होंगे, किस कलर के थे भाई, ऑक्सीजन वाले किस कलर के हुआ करते थे, ब्लैक कलर के हुआ करते थे। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हो तो ये आपका होता है ब्लू कलर से, नाइट्रस ऑक्साइड आपका होता है ब्लू कलर से, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला फार्मासिस्ट का ये आपका क्वेश्चन रहा है, ब्लू कलर आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ब्लू कलर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द बफरिंग एजेंट इन द डार्क सोल्यूशन, डार्क सोल्यूशन में आपका बफरिंग एजेंट क्या होता है, बोरिक एसिड होता है, क्लोरिनेटेड लाइम होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी आपका केरला फार्मासिस्ट का ही क्वेश्चन रहा है। सो यहां बात करते हो बफरिंग एजेंट की, तो आपका जो बोरिक एसिड होता है क्या होता है, वीक एसिड है, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, यही आपका यहाँ पे क्या होता है, बफरिंग एजेंट के जैसा वर्क करता है। सो बोरिक एसिड आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बोरिक एसिड होगा। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को क्या करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए आप कौन से यहाँ पे
कौन से एलिमेंट, कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं, Fe59 का, आयोडीन 131 का, कोबाल्ट 60 का या फिर P32 का, किसका यूज आप यहाँ पे कर रहे होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो थायराइड की बात आई है, थायराइड ग्लैंड आपका किससे रिलेटेड होता है, ये आपका आयोडीन पे आएगा। सो आयोडीन 131 जो होता है यही आपका क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस के लिए, आपकी फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। सो आपका बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ESIC कर रहा है, ठीक है ना, ये ESIC कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे सभी के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो आइसोटोप P32, जो P32 फॉस्फोरस 32 होता है, ये आपका किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, कार्सिनोमा ऑफ बोन्स में, थायरॉयड कैंसर में या फिर पॉलीसाइथीमिया में, किस में यूज किया जाएगा। सो देखो P32 फॉस्फोरस 32 आपका क्या होता है, ये आपका यूज किया जाता है पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, जहां RBC का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बहुत एक्सेस में हो रहा हो, वो कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। सो डी ऑप्शन जो आपका है पॉलीसाइथीमिया, यही क्या होता है आपका P32 यहां पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सबके ऑप्शंस देख लो, सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन जिसको आप क्या है P32 जो आपका रेडियो न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका यूज किया जाएगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ RBC मींस ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया में। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देखो सोडियम रोज बेंगाल इंजेक्शन है, ये आपका क्या हुआ, लिवर स्कैन, लिवर फंक्शन टेस्ट में यूज किया जाएगा। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। सोडियम पर्टिकनेट इंजेक्शन है, जो आपका ब्रेन स्कैनिंग थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट में यूज किया जाता है। टेक्नीटियम सल्फाइड कोलोइडल सॉल्यूशंस है, जो आपके लिवर और स्प्लीन स्कार्स में यूज किया, स्कैन्स में यूज किया जाता है। और आपका यहां पे देखो क्या है, ये आपका डाइथाइलीन इट्रियम अमीनो पेंटा एसीटेट जो है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ब्रेन स्कैनिंग और डिटरमिनेशन ऑफ GFR मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, उसके आपके यहाँ पे उसमें यूज किया जाता है। सो ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड है डिफरेंट जो कि कहाँ कहाँ उनके एप्लीकेशंस है, वो उसके साथ यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GI ट्रैक्ट, जो आपका GI ट्रैक्ट है वहां आपको क्या करने के लिए, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया के लिए हम कौन से कंपाउंड का यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं कह सकता हूँ बेरियम क्लोराइड का, बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फाइड का या फिर बेरियम सल्फेट का। सो बेरियम क्लोराइड है, सल्फाइड है, बेरियम सल्फाइड है या फिर बेरियम सल्फेट है। सो ये आपका यूज होता है क्या, बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं आप, BaSO4 का यूज करते हैं, यही रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है एक्चुअली आपका। सो बेरियम सल्फेट आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका डी ऑप्शन है यही क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही क्या होता है आपका, इमेजिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका क्या होता है, ये आपका रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया के जैसा वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो आपका कंट्रास्ट है उसको क्या करता है, मीन्स आपका अंदर का जो आपका कह सकते हो बहुत ही क्लियर विजन देने के लिए आपका ये यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 है वो किसका एग्जांपल होता है, एसिडिफाइंग एजेंट का होता है, एल्कलाइजिंग एजेंट का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 होता है, वो आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। सो आपका ये क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, द केमिकल नेम फॉर द Fe2O3 इज, Fe2O3 का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या है। राजस्थान में आया हुआ था ये 2014 में, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं या फिर आयरन 6 ऑक्साइड बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप बोलते हैं, देखो क्या है Fe2O3 है ना, तो ये क्या होता है आयरन 3 ऑक्साइड, आप यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या होगा, आयरन 3 ऑक्साइड हो जाएगा। सो आयरन 3 ऑक्साइड मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आयरन 3 ऑक्साइड आपका यहाँ पे इसको आप बोलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ रेडियो एक्टिव, कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, क्या कार्बन, सिंपल कार्बन यहाँ पे है, ब्रोमीन,
32P फास्फोरस 32 या फिर हाइड्रोजन, कौन सा यहाँ पे रेडियो एक्टिव होगा? सो एक बात बताओ, ये आपका होता है फास्फोरस 32। क्या होता है? फास्फोरस 32 जो होता है यही क्या होता है आपका? रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है आपका। सी ऑप्शन क्या है? ये आपका एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो आपका ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीगर म्यूलर काउंटर, जीएम काउंटर जो है, जो डिटेक्टर्स होते हैं, इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करता है? क्या डिटेक्ट करता है जीएम काउंटर, जो आपका गीगर म्यूलर काउंटर है, ये क्या डिटेक्ट करता है? ओनली अल्फा पार्टिकल्स, ओनली बीटा पार्टिकल्स, बोथ अल्फा बीटा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, सभी को ही ये डिटेक्ट करता है। सो देखो एक बात बताओ, जीएम काउंटर क्या करते हैं? ये आपका डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जब भी क्या करता है कोई एक आयनाइजिंग क्या करता है यहाँ पे, कोई एक रेडिएशंस आ रहे होते हैं। तो रेडिएशंस कहाँ से आ सकते हैं भाई? इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, और इससे भी आ सकता है। रेडिएशंस होंगे तो यहाँ पे जो इंटरनल एयर होती है उसके अंदर, चैम्बर के अंदर जो एयर है वो आयनाइज होगी, आयनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे। सो आपका अल्फा बीटा और गामा रेज तीनों में ही आपका क्या देखने को मिलेगा? जीएम काउंटर डिटेक्टर आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। सो आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा तीनों को ही आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, तीनों से ही आप यहाँ पे डिटेक्शंस कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? इट्रियम 90 इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सस्पेंशन ऑफ इट्रियम सिलिकेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो इट्रियम 90 होता है ये आपका कोलॉइडल सोल्यूशन के फॉर्म में किसके यूज में यूज किया जाता है? थायरॉयड कार्सिनोमा में, पॉलीसाइथीमिया में, थायरोटॉक्सिकोसिस में, या फिर आपका अर्थराइटिक कंडीशन ऑन जॉइंट्स, जो अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस में क्या होता है आपका स्वेलिंग देखने को मिलती है आपके जॉइंट्स में, स्पेशली आपके नी एरिया में आपका यहाँ पे देखने को मिलती है। सो जो इट्रियम का कोलॉइडल सस्पेंशन होता है ये आपके अर्थराइटिस में ही आपका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, अर्थराइटिक कंडीशन में ही क्या करते हैं आप इसका यूज करते हैं। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डी ऑप्शन है, इसी के ट्रीटमेंट मीन्स अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं? इट्रियम सिलिकेट सोल्यूशन का यूज कर रहे होते हैं। सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट्रियम सिलिकेट के लिए, एट्रियम सिलिकेट के लिए आपका यूज हो जाएगा। स्वेलिंग एंड पेन एसोसिएटेड विद सम टाइप ऑफ अर्थराइटिस, यही में आप यूज करते हैं एट्रियम कोलोइडल सिलिकेट सॉल्यूशंस का। एथाइलीन गैस, अरे सीधे आंसर ही आ गया क्या? चलो कोई नहीं। एथाइलीन गैस क्या होती है? तो एथाइलीन गैस क्या है आपकी? ये फ्रूट राइपनिंग गैस होती है, फ्रूट राइपनिंग गैस होती है। एथाइलीन गैस क्या करती है आपका? फ्रूट राइपनिंग को क्या करती है? प्रोमोट करती है, ठीक है ना, प्रोमोट करती है आपकी यहाँ पे। चलो तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट ही है। एथाइलीन गैस आपकी क्या करती है? फ्रूट राइपनिंग भी आपकी होती है। नेक्स्ट क्या है देखो, म्यूरिएटिक एसिड इज द सिनोनिम ऑफ, जो म्यूरिएटिक एसिड होता है वह किसका सिनोनिम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, या फिर फॉस्फोरिक एसिड का? सो म्यूरिएटिक एसिड आप क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही अदर नेम क्या होता है आपका? म्यूरिएटिक एसिड होता है, या फिर स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी आप इसी को ही बोलते हैं। सो जो ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को ही आप म्यूरिएटिक और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बोरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ, जो बोरिक एसिड है वह क्या, कौन सा एसिड होता है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, या फिर ऑर्गेनिक एसिड? सो बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड आपका एग्जांपल होता है। ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे? करेक्ट हो जाएगा बोरिक एसिड के लिए, ठीक है ना, बोरिक एसिड के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पेंसिलामीन इज एन एंटीडोट यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ, जो पेंसिलामीन होता है वह किसकी पॉइजनिंग में यूज किया जाता है? आयरन, साइनाइड, मर्क्यूरी, या फिर कॉपर एंड लेड? सो पेंसिलामीन आपका एंटीडोट होता है फॉर आपका लेड और कॉपर पॉइजनिंग, जो कॉपर और लेड पॉइजनिंग है इसकी आपकी क्या करते हैं एंटीडोट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं? पेंसिलामीन का यूज करते हैं, पेंसिलामीन का यूज करते हैं। देखो साइनाइड की बता दो अच्छा जल्दी से क्या होता है, साइनाइड की आप कमेंट कर दो जल्दी से, साइनाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? अच्छा आयरन के लिए क्या है? डेफरोक्सामीन हो गया। साइनाइड की बात करते हो तो जल्दी बताओ, नाइट्रेट्स आते हैं यहाँ पे, नाइट्राइट आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? पेंसिलामीन आपका कॉपर और लेड के लिए यूज किया जाता है। ये सभी के यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हैं, एक्टिवेटेड चारकोल हैवी मेटल पॉइजनिंग, एल्कलॉइडल सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग पॉइजनिंग में, लाइट काओलिन फूड एंड एल्कलॉइडल पॉइजनिंग में, कॉपर सल्फेट की बात करते हो तो फॉस्फोरस पॉइजनिंग आ जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम फॉस्फेट है तो ये हैवी मेटल पॉइजनिंग,
पेंसिलामीन आपका देखो कॉपर मैग्नीशियम लेड पॉइजनिंग में आता है, डेफेरोक्सामीन आयरन पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं, डाइमर कैप्रोल आप यहाँ पे देखो गोल्ड हो गया, मरकरी पॉइजनिंग हो गया, तो आपका मरकरी वाले में क्या है डाइमर कैप्रोल हो गया, और यहाँ पे क्या है देखो ससीमर आपका जो है ये किसके लिए आर्सेनिक के लिए है, गोल्ड के लिए है और मरकरी पॉइजनिंग में है, कैल्सियम डाइसोडियम EDTA यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है ये लेड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है, और आपका सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्राइड जो होता है ये आपका होता है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, ठीक है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आपको एक टेबल बना करके याद रखिए इन्हें। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, देखिए साइनाइड पॉइजनिंग के लिए किसका यूज करते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए आपका किसका यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट सबऑर्डिनेट उसमें आया हुआ था, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या है अमोनियम परबोरेट के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सोडियम नाइट्राइट या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में हमने क्या देखा, आपका सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, तो थायोसल्फेट नहीं तो कोई बात नहीं, नाइट्राइट तो प्रेजेंट है ना, तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट का आप यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग के केस में आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड, रेडिएशन शील्ड के तौर पे आप किसका यूज करते हैं, मींस जो रेडिएशंस हैं उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कौन से आप बॉक्सेस में रखते हैं, किसके बने हुए बॉक्सेस के, कोबाल्ट के, बिस्मथ के, गोल्ड के या फिर लेड के, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लेड के बॉक्सेस के अंदर क्या करते हैं इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से रेडिएशंस बाहर नहीं आ पाते हैं, सो आपका जो मेटल है जो रेडिएशन शील्ड के जैसा यूज किया जाता है वो क्या होता है लेड होता है, दैट इज PV आप यहाँ पे कह सकते हैं, लेड का आप क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है देखो केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HPO2 होता है, H4P2O6 होता है, H2P2O2 होता है या फिर HPH2O2 होता है, सो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका H4P2O6 यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा H4P2O6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है। ऑन अ प्रोडक्ट द लेबल स्टेट्स प्रोटेक्ट लाइट, क्या है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगोज, कौन सा टाइप का यहाँ पे क्या हो सकता है डिकम्पोजिशन देखने को मिल सकता है, कार्बोक्सिलेशन हो सकता है यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस देखने को मिल सकती है या फिर ऑक्सीडेशन देखने को मिल सकता है, सो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट अगर कहीं लेबल में मेंशन है इसका मतलब क्या है कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन वहां हो सकता है, सो यहां पे आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन हो सकता है, अगर लाइट से प्रोटेक्ट करने की बात की गई है मींस आप वहां पे क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो इसलिए आपको यहां पे इसको बचाना है फ्रॉम लाइट, सो डी ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाफिंग गैस, किसको लाफिंग गैस बोलते हैं, एमपी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को, किसको बोलते हैं आपका लाफिंग गैस बोलते हैं, सो बी जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को ही आप क्या बोलते हैं लाफिंग गैस, आप इसी को ही बोल रहे होते हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ही आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस है और स्लाइटली स्वीटिश टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, एसिड आर सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स, जो आपके एसिड होते हैं वो जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो क्या देते हैं, Cl- आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, OH- देते हैं, Na+ देते हैं, सो देखो यहाँ हाँ Cl- भी मिलता है अगर HCl का केस होगा तो, लेकिन एक मिनट रुको, हमने क्या बोला एसिड यहाँ पे क्या है, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, Cl तो सिर्फ एक पर्टिकुलर Cl- मिल रहा है ना, HCl के केस में Cl- मिल रहा है, H2SO4 में वहां तो Cl- नहीं मिलेगा ना, लेकिन H+ आयन प्रोटॉन ये तो हर एक एसिड के केस में मिलेगा, करेक्ट है क्या, एसिड वो है जो H+ दे, प्रोटॉन्स दे, सो आपका बी ऑप्शन क्या होगा एसिड्स के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन जो आपको देंगे वही क्या होते हैं आपके एसिड्स होते हैं, एमपी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप, कौन सा एक स्टेबल आइसोटोप नहीं है, यूरेनियम, कार्बन 12, क्लोरीन 35 या फिर हाइड्रोजन,
तो एक बात बताओ, पहला ही ऑप्शन जो आपको यहां दिख रहा है यूरेनियम, ये कब से स्टेबल हो गया भाई? ये तो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। सो आपका यूरेनियम क्या है, ये आपका कहीं से भी स्टेबल आइसोटोप नहीं होता है, यहाँ कंटिन्यू रेडिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। सो यूरेनियम क्या होगा आपका यहाँ पे, नॉट अ स्टेबल आइसोटोप हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, जो एंटीडोट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं वॉमिटिंग में, कफ में, एसिडिटी में या फिर पॉइजनिंग में। तो आप एंटीडोट्स का यूज करते हैं पॉइजनिंग के केस में। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी आपका पॉइजनिंग के केस में, आइदर मेटल, हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई है या फिर किसी अदर टाइप की पॉइजनिंग हुई है, ड्रग पॉइजनिंग इंट्रैक्शन, तो वहाँ पर आप बोलते हैं क्या, एंटीडोट्स का वहाँ पर आप यूज कर रहे होते हैं। सो आपका डी ऑप्शन पॉइजनिंग यहाँ पे एंटीडोट्स के लिए करेक्ट हो जाएगा। द पेनेट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज, गामा रेज की पेनेट्रेशन पावर क्या होती है? देखो अल्फा बीटा गामा तीनों को आप जरा एक बार बताओ, अल्फा लिखा हमने, बीटा लिखा और यहाँ गामा लिखा हुआ है। देखो अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बीटा उससे हल्के होते हैं, गामा तो बहुत ही हल्के पार्टिकल्स हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है, इसका पार्टिकल बहुत हैवी है, इसका पार्टिकल क्या है थोड़ा सा हल्का हुआ और इसका बहुत ही लाइट होता है, तो पेनेट्रेशन मीन्स पेनेट्रेट करके बाहर निकलना। किसी भी जो आपके सामने वॉल आ रही है पेपर की, कॉप एल्यूमिनियम की या फिर जो भी, तो उसको पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाना रेडिएशंस को। जिसकी आपकी हैवी है पार्टिकल्स वो इतना ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जैसे जैसे हल्के होते जाएंगे, जैसे जैसे उनका वेट कम होगा, मास कम होता जाएगा पार्टिकल्स का, उतना ज़्यादा उनकी पेनेट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। मीन्स अल्फा आपके बहुत ही लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर्स होंगी, बीटा की उसकी ज़्यादा होगी अल्फा के कंपेरिजन में, गामा की तो बहुत ही ज़्यादा होती है। लोअर देन बीटा पार्टिकल्स कभी पॉसिबल ही नहीं है, गामा की सबसे हाई होगी। 100 टाइम्स मोर देन बीटा पार्टिकल्स इक्वल टू अल्फा नॉट पॉसिबल, लोअर देन अल्फा पार्टिकल नॉट पॉसिबल। खुद ही बताओ भाई, बीटा से क्या होगी, ज़्यादा होती है और ये नंबर क्या आता है, 100 टाइम्स मोर होती है आपकी यहाँ पे नियर अबाउट, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि इसकी आपकी पेनेट्रेशन पावर सबसे कम, इसकी ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। और आयनाइजिंग पावर की अगर बात करते हैं तो ये हैवी है, हैवी होने की वजह से ये जब क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से निकालेंगे, क्योंकि बड़े हैवी पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स हैं, इसकी साइज बड़ी छोटी है, हैवी बहुत कम है, बहुत ही लाइट वेट का है ये, तो ये आपका जब एयर के मॉलिक्यूल से टकराता है तो वहाँ पे उनके बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। ये तो बहुत ही हल्का है, इसका तो है ही नहीं मास, तो ये तो बहुत ही लेस इलेक्ट्रॉन्स आपका निकालेगा गैस से जब टकराता है। तो आपकी आयनाइजिंग पावर अल्फा की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बीटा की, फिर गामा की, लेकिन पेनेट्रेशन पावर गामा की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बीटा की, फिर अल्फा की होगी। दोनों में क्या होता है, अपोजिट यहाँ पे चलता है। सो आपकी यहाँ पे क्या हो गया, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड टू, आपका जो बोरिक एसिड का एसे है वहाँ पे ग्लिसरीन आप जब डालते हैं, ग्लिसरॉल डालते हो, तो आपको क्या होता है बोरिक एसिड में, डिजॉल्व बोरिक एसिड को डिजॉल्व करने के लिए, इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी। तो देखो बोरिक एसिड में जब आप क्या करते हैं, ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। ग्लिसरीन क्या करता है, उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही वीक एसिड होता है। तो उस केस में जब उस पर क्या मिलता है, उसके साथ ग्लिसरॉल मिलता है, तो उसकी एसिडिटी क्या होता है, बढ़ जाती है। सो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज फॉर द क्लीनिंग वॉन्ड्स एंड ईयर्स, कौन सा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो कि वॉन्ड्स को क्लीनिंग में और ईयर्स की क्लीनिंग में आप यूज करते हैं? हाइड्रोजन परोक्साइड सोल्यूशन, ल्यूगॉल्स सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशंस, किस में यूज करते हैं? तो ये तो गार्गल्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अमोनिया सोल्यूशन यहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे हैं, ल्यूगॉल सोल्यूशन आयोडीन का सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ल्यूगॉल आयोडीन यहाँ पे क्या होता है, आप वॉन्ड्स पे अप्लाई तो करते हैं लेकिन वो क्लीनिंग के लिए आपका है क्या, बताओ जरा, क्लीनिंग के लिए यूज तो नहीं करते हैं ना, क्लीनिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। पहले किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड का, H2O2 का आप यूज करते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड का, उससे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद आप क्या करते हैं, फर्दर यहाँ पे उसके बाद ल्यूगॉल्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड का ही यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन द गामा रेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन करते हो आप, तो उस केस में जो आपकी गामा रे स्टरलाइजेशन अगर कभी हो रहा हो, तो गामा रे स्टरलाइजेशन कौन से आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड के थ्रू होता है? कोवॉल्ट 60 करता है,
आयोडीन 131, गोल्ड 198 या फिर सेलेनियम 80, को इससे आप क्या करते हो यहाँ पे गामा रे रेडिएशन स्टरलाइजेशन कर रहे होते हैं। सो देखो ये आपका होता है कोबाल्ट 60, ये क्या है कोबाल्ट 60 होता है, ये क्या करता है गामा रे रेडिएशंस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। गामा रे स्टरलाइजेशंस प्रोसेसेस में कोबाल्ट 60 का आप यूज करते हैं और यही आपका यहाँ पे गामा रेस दे रहा होता है। सो आपका ए ऑप्शन क्या होता है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द रिएजेंट यूज इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के एसे में हम कौन से रिएजेंट का यूज कर रहे होते हैं, न्यूट्रल फॉर्मल्डिहाइड का, एसिटस परक्लोरिक एसिड का, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का, एल्कलाइन पाइरोगैलोल सॉल्यूशंस का। सो देखो ये जो आपके पाइरोगैलोल सॉल्यूशंस है, पाइरोगैलोल सॉल्यूशंस है, 1, 2, 3 पोजीशंस पर OH लगा हुआ हो अगर, ये आपका क्या होता है पाइरोगैलोल होता है। तो ये पाइरोगैलोल ही क्या करता है आपका ऑक्सीजन के एसे में यूज किया जाता है, ये क्या करता है ऑक्सीजन के एसे में हम इसका यूज करते हैं। सो आपका जो डी ऑप्शन है एल्कलाइन पाइरोगैलोल सॉल्यूशन, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएजेंट होगा जो कि ऑक्सीजन के एसे में आप क्या कर रहे होते हैं यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यूज कर रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स सिमिलर टू लिटमस पेपर, कौन सी यहाँ पे डाई है जो कि लिटमस पेपर के जैसा ही रिजल्ट्स दे रही होती है। लिटमस पेपर का काम क्या है, एसिड बेस को यहाँ पे क्या करना है डिटरमाइन करने में आप उसका यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं। सो यहाँ पे डाइज देखो एजोलिटमिन है, मोरिन है, करक्यूमिन है और क्या है आपका यहाँ पे लॉसोन है। तो आपका कौन सा यहाँ पे डाई है जो कि आपका लिटमस पेपर के जैसा ही वर्क करता है, मीन्स एसिड है तो एसिड को डिस्टिंग्विश मतलब बताने के लिए और बेस को बताने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो एसिड बेस के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लिटमस का ही यूज करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे आपका यहाँ एजोलिटमिन जो है ये क्या करता है, ये भी ऐसा ही कुछ आपका यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा रेड कैबेज भी क्या करता है एसिड बेस डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। रेड कैबेज आपका क्या हो जाता है वो भी कलर चेंज करता है एसिड के प्रेजेंस में आकर के। सो एजोलिटमिन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, या आपका क्या हो जाएगा एजोलिटमिन ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्सिन भी होता है जो क्या करता है यहाँ पे डाई है जो कि लिटमस पेपर के जैसा ही वर्क कर रहा होता है, एसिड बेस के बीच में फर्क बताता है ये। इन केस ऑफ आयरन पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग के केस में आप क्या कैसे समझते हैं क्या यूज करते हैं, विटामिन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी, डेफेरोक्सामीन कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी, एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम कैन इफेक्टिवली ट्रीट सिस्टमिक आयरन टॉक्सिसिटी या फिर सोडियम थायोसल्फेट कैन इफेक्टिवली ट्रीट आयरन टॉक्सिसिटी, ये आपका साइनाइड के लिए होता है बिल्कुल हटा दो। अरे डेफेरोक्सामीन क्या है इसी के बारे में ही तो हमने पढ़ा था, डेफेरोक्सामीन जो होता है यही तो आपकी आयरन टॉक्सिसिटी के लिए यूज किया जाता है। सो बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है ये क्या होगा यही आपकी आयरन टॉक्सिसिटी में यूज किया जाएगा। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमैटिनिक्स, कौन सी यहाँ पे हिमैटिनिक्स नहीं है जरा बताओ, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या फिर B2। हिमैटिनिक्स मींस जो क्या करता है आरबीसी के प्रोडक्शंस को बढ़ाए, ठीक है ना, ब्लड को अल्टीमेटली क्या करे ब्लड के लेवल्स को बॉडी में इंक्रीज कर रहा हो। सो विटामिन B12 वहाँ ये यूज होता है, फॉलिक एसिड यूज होता है, आयरन तो जरूरी है ही है, विटामिन B2 का यहाँ पे क्या जरूरत है, विटामिन B2 आपका एक हिमैटिनिक एजेंट नहीं होता है। सो डी यही क्या हो जाएगा यही आपका नॉट में चला जाएगा, नॉट हिमैटिनिक्स में आपका क्या हो जाएगा विटामिन B2 आ जाएगा, B2 आपका हो जाएगा। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये स्ट्रक्चर आपका किसका प्रेजेंट है, CH CH C डबल बॉन्ड O COOFE, यहाँ पे क्या है एक्चुअली माइनस माइनस होगा और Fe2+ होगा। देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है अगर आप थोड़ा इसको समझो, तो ये स्ट्रक्चर आप अगर देखो तो हमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, CH C डबल बॉन्ड OOH डबल बॉन्ड CH COOH, ये आपका क्या है डियर, ये आपका होता है मैलिक एसिड, यही तो है ना आपका मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड सिस पोजीशंस में लगे हुए हो कार्बोक्सिल तो उसको आप मैलिक एसिड बोलते हैं, मैलिक एसिड। तो इसका क्या होगा, ये जब इसका एनायन बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, जब एनायन बनेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, मैलेट बोलेंगे, और क्योंकि क्योंकि माइनस माइनस और 2+ आपका ये होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे जब आप ये देखो क्या है, ये एक्चुअली आपका आयरन का ही तो मैलेट है, आयरन का ही क्या है मैलेट है, आयरन टू मैलेट है ये आपका। इसको आप और क्या बोलते हैं, आयरन टू को आप क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। सो फेरस मैलेट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, फेरस मैलेट हो जाएगा। फ्यूमेरेट होता अगर ये क्या होते दोनों अपोजिट साइड में कार्बोक्सिलिक लगे होते ट्रांसपोजिशन पर। सो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, फेरस मैलेट हो जाएगा, आयरन टू मैलेट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, आयरन टू मैलेट हो जाएगा। डेफिशियंसी इन हिमेटिनिक्स कैन कॉज, जो आपका डेफिशियंसी है हिमेटिनिक्स में उससे क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर सभी हो सकते हैं। सो हिमेटिनिक्स मीन्स जो क्या करे, वॉट आपका बॉडी में आपका आरबीसी मीन्स ब्लड का लेवल घटा रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो। तो अगर इनकी डेफिशियंसी हो गई तो घटा देंगे, अगर एक्सेस में हुए तो बढ़ाए रहेंगे। तो डेफिशियंसी हो रही अगर हिमेटिनिक्स भी विटामिन B12 की, आपका फॉलिक एसिड की, या फिर आपके क्या वहां पे हमने देखा हीमोग्लोबिन आयरन की, तो अगर ये आपके कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली आरबीसी लेस, ब्लड कम, एनीमिया कॉज हो जाएगा, डेफिशियंसी में एनीमिया कॉज होगा। सो ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस एस्कॉर्बेट मीन्स यहाँ पे आयरन भी है और एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट है, मीन्स विटामिन सी भी है। सो फेरस एस्कॉर्बेट का आपको यहाँ पे पूछा गया हुआ है, फेरस एस्कॉर्बेट यहाँ क्या आपका NH4, अरे देखो अमोनियम कहाँ से आ गया, एस्कॉर्बेट में कहीं भी अमोनियम तो है ही नहीं है, सीधे इसको काट दो। CFeO ये क्या है, ये तो आपका कार्बोनिल आयरन है, ठीक है ना, कार्बोनिल आयरन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, मीन्स यहाँ से क्या होता है मैक्सिमम आयरन कंटेंट मिलता है आपको यहाँ पे। फेरस सल्फेट है, ये क्या है, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल भी आप इसको बोलते हैं। यहाँ देखो C12H14Fe O12 जो होता है ये क्या होता है, फेरस एस्कॉर्बेट होता है आपका, यही क्या होता है, फेरस एस्कॉर्बेट है। सो आपका बी ऑप्शन क्या है, फेरस एस्कॉर्बेट के लिए करेक्ट है। विटामिन सी के साथ जो आपका क्या होता है आयरन का कंपोजिशन है, यही क्या होता है आपका फेरस एस्कॉर्बेट होता है, इसको आप फेरस एस्कॉर्बेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए FeSO4.7H2O, जो FeSO4.7H2O है इसको और क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं, फेरस फ्यूमरेट बोलते हैं, फेरिक अमोनियम साइट्रेट बोलते हैं, या फिर आपका क्या है फेरस अमोनियम, फेरस एस्कॉर्बेट बोलते हैं। सो FeSO4.7H2O ये क्या होता है, ये क्या है, अरे इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल भी तो बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, और ये क्या होता है फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है। ए ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, ये आपका ग्रीन कलर का है, इसलिए आप क्या बोलते हैं इसको फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, एनीमिया कैन अकर्स ड्यू टू, जो एनीमिया है वो कैसे हो सकती है, ड्यू टू ब्लड लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, बोन मैरो डिप्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ जरा एनीमिया होने के कॉजेस क्या क्या है यहाँ पे भाई, अगर ब्लड लॉस हुआ है इट मींस बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी, हाँ तो ये भी एनीमिया कॉज कर सकता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां से भी आपका एनीमिया हो सकता है। बोन मैरो में डिप्रेशन हुआ है तो वहां से क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन यही सब अगर नहीं हुई तो आपका क्या होगा आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और क्या होगा अल्टीमेटली यहां से भी आपका ब्लड में डेफिशिएंसी आएगी, ब्लड के वॉल्यूम में कमी आएगी। सो ये सभी केसेस हैं, सभी आपके ऑप्शंस हैं, सभी आपके क्या कंडीशंस में आपका एनीमिया कॉज हो सकता है, ऑल आर करेक्ट हियर, सब के सब आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं, NO को बोलते हैं, N2O को बोलते हैं, या फिर NO3 को बोलते हैं। सो लाफिंग गैस तो बड़ा सिंपल सा हो गया, N2O को ही क्या बोलते हैं आप, लाफिंग गैस बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, N2O को ही आप लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। मॉलिकुलर वेट ऑफ O2, O2 का मॉलिकुलर वेट क्या होता है, O2 का मॉलिकुलर वेट क्या होता है। सो आपका एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, और क्योंकि दो बार है तो मींस हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। सो आपका 32 हो जाएगा आपका क्या, मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 का मॉलिकुलर वेट 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O है, लाफिंग गैस है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है,
प्रॉपर्टीज कलरलेस है, हाँ जी बिल्कुल कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस भी होती है। स्वीटेस्ट टेस्ट, हाँ जी इसका स्वीट टेस्ट होता है, मीन्स सारे के सारे ऑप्शन ही क्या है आपके ये करेक्ट है। स्वीटेस्ट टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, सब के सब आपके ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। सो ऑल आर हियर करेक्ट, सब के सब करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मैक्सिमम आयरन प्रेजेंट इन, मैक्सिमम आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में, फेरिटिन में, मायोग्लोबिन में, या फिर पैरेन्काइमल आयरन में। तो देखो जो आपके बॉडी में आयरन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम जो कंटेंट होता है मोर देन 60% 65% के नियर अबाउट, ये कहां पर होता है, अकेले आपका आरबीसी मींस हीमोग्लोबिन में ये क्या होता है अल्टीमेटली आपके प्रेजेंट होता है। सबसे मैक्सिमम कंटेंट आपके आयरन का हीमोग्लोबिन में होता है, फिर आपका फेरिटिन और हीमोसाइड्रिन जो दो आपकी प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपका आयरन होता है 25% के नियर अबाउट, 23-25% के नियर अबाउट, और फिर मायोग्लोबिन और पैरेन्काइमल ये आपके 3-6% से यहाँ पे आ जाते हैं। सो जो सबसे मैक्सिमम आयरन कंटेंट है वो 60-65% कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा। देखो 66% यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन में है। फेरिटिन और हीमोसाइड्रिन जो दो प्रोटीन है यहाँ पे क्या होता है 25, मायोग्लोबिन में 3 और पैरेन्काइमल में आपका 6% के नियर अबाउट क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन इन स्टोरेज प्रोटीन, कौन सा यहाँ पे स्टोरेज प्रोटीन में आयरन वाला चीज है, ट्रांसफेरिन, फेरिटिन, साइटोक्रोम या फिर नन ऑफ द, तो फेरिटिन हो गई और हीमोसाइट्रिन हो गई, ये दोनों ही क्या होती हैं आपकी स्टोरेज आयरन की क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिकुलर वेट क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू दी गई है बट कोई बात नहीं, कार्बन का वैल्यू क्या होती है, कार्बन का मॉलिकुलर वेट होता है 20, ऑक्सीजन की बात करते हो तो आपका हो जाता है 32। सो अगर आप देखो इधर नियर अबाउट आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 44 समथिंग। सो 44 के नियर अबाउट देखो क्या है, 44.01, ये देखो डी ऑप्शन आपका एक ही है जहाँ पे 44 है। सो यही क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, 44 के नियर अबाउट आपका आता है। Which of the following gas is stored in black color painted cylinder? Black color के cylinders में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस रखी जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम, कौन सी होती है। तो आपकी ऑक्सीजन होती है जो ब्लैक कलर में होती है और व्हाइट नेक होता है इसका, नेक क्या होता है व्हाइट कलर का, यहाँ देखो जरा ब्लैक सिलेंडर है और व्हाइट कलर का यहाँ क्या होता है, नेक होता है आपका। All are the example of hematinic agent except, सभी आपके hematinic agent के example हैं but एक को छोड़ करके, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous gluconate और aluminium hydroxide gel। तो aluminium hydroxide gel जो है ये आपका कब से hematinic agent में आने लगा, ये आपका hematinic नहीं है, ferrous gluconate भी है, fumarate भी है, sulfate भी है, लेकिन आपका aluminium hydroxide gel जो है ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पे नहीं आता है। Which of the following is a highly pure iron? कौन सा यहाँ पे highly pure iron होता है? Ferrous sulfate है, carbonyl iron है, ferrous gluconate या फिर ferrous ascorbate है। So purest iron जो आपको होता है, means सबसे ज्यादा आपका iron content जो देखने को मिलता है, purest iron जो आपको मिल रहा है वो carbonyl iron में होता है, CFeO carbonyl iron में देखने को मिल रहा होता है। सो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा, कार्बोनिल आयरन में आपको प्योरेस्ट आयरन कंटेंट मिलता है। एपरेटस यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ O2, O2 के प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा यहाँ पे एपरेटस का यूज करते हैं, हॉफमैन इलेक्ट्रोलिसिस एपरेटस का, सीमेंटेशन एपरेटस का, सेडिमेंटेशन एपरेटस का या फिर गजिट एपरेटस का। तो एक बात, गजिट एपरेटस आपने कहाँ यूज किया था, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज किया था। आप यहां क्या बात कर रहे हो, O2 का मास प्रोडक्शन कहां से यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस, हॉफमैन, हॉफमैन आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है यहां पे, हॉफमैन इलेक्ट्रोलिसिस एपरेटस जो है यही आपका यहां पे यूज किया जाता है ऑक्सीजन के मास प्रोडक्शन को लेकर के। सो आपका ए ऑप्शन क्या होता है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो क्या है, वाटर है, वाटर की आपने क्या की यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराई है, H2 अलग और O2 आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग हो रहा है, ठीक है ना, O2 अलग हो रहा है।
नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, ऑल आर आईपी ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन एक्सेप्ट फेरस सल्फेट, ड्राइड फेरस सल्फेट, आयरन एंड अमोनियम साइट्रेट या फिर आयरन डेक्सट्रन इंजेक्शन। सो देखो जो आयरन डेक्सट्रन इंजेक्शन होता है ये आपका इंडियन फार्माकोपिया नहीं है, आईपी का नहीं होता है, ये क्या होता है, ये यूएसपी होता है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया होता है। लेकिन आयरन सल्फेट, ड्राइड फेरस सल्फेट, आयरन एंड अमोनियम जो आपका साइट्रेट होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, आईपी से लिए गए हुए हैं, बट ये आपका यूएसपी होता है। सो आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आईपी का नहीं होता है, आईपी का नहीं है। देखो फेरस आयरन डेक्सट्रन इंजेक्शन और आयरन सॉर्बिटेक्स इंजेक्शन ये दोनों आपके यूएसपी होते हैं, बाकी यहाँ पे आईपी वाले आपको दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के रिगार्डिंग आपको ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है, बताना है। सॉल्युबल इन वाटर, जो फेरस सल्फेट है वाटर में सॉल्युबल है, हाँ जी बिल्कुल वाटर में सॉल्युबल है। प्रैक्टिकली इन सॉल्युबल इन अल्कोहल, देखो अल्कोहल में इन सॉल्युबल होता है, पहला ही ऑप्शन आपका ये सही है, रीजन बताएं क्यों। देखो ये क्या है, सल्फेट है, सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है, वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल में थोड़ा मुश्किल है, अल्कोहल में आपको सॉल्युबल नहीं होगा। इन सॉल्युबल इन वाटर, नहीं 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 वाटर में तो बढ़िया सॉल्युबल होता है, इन सॉल्युबल इन वाटर चांस ही नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन अल्कोहल, तो देखो अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होगा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था, तो ए ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एसे ऑफ CO2 इज बेस्ड ऑन, जो आपका CO2 का एसे होता है वह बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन बाय 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, या फिर आपका इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको बोलते हैं पोटैश बोलते हैं, ठीक है ना, आपका कौन सा पोटैश है ये आपका होता है पोटैश, आपका यहाँ पे आप बोलते हैं क्या इसको, आपका कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं KOH को, इसको एक और नाम क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश भी आप इसको कई बार बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बाई 10% अमोनिया सोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन बाई 70% कैल्शियम सोल्यूशन, या फिर एब्जॉर्प्शन बाई 11% प्लेटिनम सोल्यूशन। सो जो ऐसे होता है CO2 का, ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन बाई 50% ऑफ कॉस्टिक पोटास या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से। सो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या होगा आपका इसका, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एसे इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन बाय 50% के सॉल्यूशन, द अनएब्जॉर्ब्ड गैस इज मेजर्ड, जो इतनी आपकी नहीं एब्जॉर्ब्ड हुई है वही आपकी यहां पे मेजर की जाती है। सो डियर ये थे आपके क्या वो 50 एमसीक्यूज जो आपके यहां पे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके यहां पे थे, हिमैटिनिक्स, एसिड बेस बफर्स था, उसके अलावा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स थे, ये सभी आपके यहां पे टॉपिक्स थे, हमने यहां पे लिए हुए थे। कैसा लगा आप लोगों को जरूर आप लोग बताइए, कितने करेक्ट आपने किए वो भी यहाँ पे मेंशन जरूर किया कीजिए कि आपने कितने यहाँ पे करेक्ट किए हुए हैं। चलिए सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू ऑल।